दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर्स के बारे में, विप्रो लिमिटेड के बारे में और साथ ही साथ इंफोसिस के बारे में। इंफोसिस ने तो अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी है, लेकिन आज ही के दिन विप्रो लिमिटेड की तरफ से भी एक बड़ी अनाउंसमेंट निकल कर आ रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर आज के दिन आपको इसकी शेयर प्राइस के अंदर तो कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले, लेकिन जो दो न्यूज़ आज के दिन विप्रो को लेकर निकल कर आई है, कह सकते हैं कि वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको उस न्यूज़ की तरफ ही लेकर आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं 21 मार्च 2022 आज ही के दिन विप्रो लिमिटेड की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल कर आई है, जिसमें 25 मार्च 2022 के दिन विप्रो लिमिटेड अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट करने जा रही है और इस बोर्ड ऑफ मीटिंग्स का मेन जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेरेशन को लेकर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कंपनी 25 मार्च 2022 के दिन अपने शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है। काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट निकल कर आई है विप्रो लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए। तो डेफिनेटली इस शानदार गुड न्यूज़ के लिए, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड बड़ी अपडेट्स के बारे में, जो कि विप्रो लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है इनकी पार्टनरशिप से रिलेटेड। विप्रो होल्म्स रिसीव बेस्ट ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन वेंडर इन पार्टनरशिप अवार्ड एट NRF 2022। तो कंपनी को काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हाथ लगा है आज ही के दिन, और कह सकते हैं कि एक दिन में दो बड़ी खुशखबरी विप्रो लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए आज के दिन निकल कर आ रही है। अब अगर विप्रो लिमिटेड का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो यहाँ पर ये शेयर जब 535 रुपये का इसने लो बनाया था, तब भी मैंने आपको इस शेयर्स के अंदर फ्रेश बाइंग के लिए कहा था कि यहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। एक लार्ज कैप कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, टेक्निकल लेवल्स भी अब हमें काफ़ी अच्छे स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस भी शेयर होल्डर्स ने 535 रुपये के लेवल्स पर इस शेयर के अंदर पोजीशंस बनाई होगी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 65 रुपीस पर शेयर्स के गेन में है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि यहां पर जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेकर चल सकते हैं। देख सकते हैं विप्रो लिमिटेड के फाइनेंशियल नंबर्स भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, जहां पर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हमें 30% की ग्रोथ, कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। 25 मार्च 2022 के दिन विप्रो लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग कंडक्ट होने जा रही है, जिसमें कंपनी डिविडेंड की तो अनाउंसमेंट करने ही वाली है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट भी अनाउंस होते हुए देखने को मिल सकती है। तो यदि आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन IT सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं, और खासकर विप्रो लिमिटेड के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो यदि आपने विप्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 590 रुपये के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो यहां पर आप फ्रेश पोजीशन करंट प्राइस पर बनाकर चल सकते हैं। साथ ही साथ रेजिस्टेंस की बात करें तो विप्रो लिमिटेड के अंदर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो 625 रुपये का निकल कर आ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने शॉर्ट टर्म टारगेट को यहाँ पर सेट करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंफोसिस लिमिटेड के बारे में, जहां पर आज के दिन इंफोसिस के अंदर हमें कोई बड़े मूवमेंट इस शेयर के अंदर तो देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन जहां एक तरफ आज के दिन मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वहीं इंफोसिस और विप्रो के अंदर कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। विप्रो लिमिटेड की तो दो बड़ी अपडेट्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, आज के दिन हमें इंफोसिस की तरफ से भी एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखने को मिल रही है। सबसे पहले जैसा कि आपको बताया कि इंफोसिस ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट अनाउंस कर दी है, और यहां पर क्वार्टर फोर के रिजल्ट के पहले ही इस शेयर्स के जो टारगेट लगाए जा रहे हैं वो 2000 रुपये तक के लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आज ही के दिन इंफोसिस की तरफ से जो बड़ी न्यूज निकल कर आई है वो भी काफी शानदार है। आप देख सकते हैं इंफोसिस रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 2022 वर्ल्ड्स मोस्ट इथिकल कंपनीज फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर बाय इथिक्स फेयर। मोस्ट इथिकल कंपनीज 2022 वर्ल्ड्स की
उसमें इंफोसिस का नाम हमें नंबर टॉप पर देखने को मिल रहा है और ये लगातार 2 वर्षों से देखने को मिल रहा है। तो इंफोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी बड़ी खुशखबरी ये निकल कर आई है। तो यदि आपने इंफोसिस या फिर विप्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इस न्यूज़ के बाद में कल के दिन आपको इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब अगर आप इंफोसिस का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर भी जब शेयर्स लगभग 1680 रुपये से लेकर 1690 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिल रहा था फरवरी मंथ में, तब भी मैंने आपको इस शेयर्स के अंदर फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशंस दी थी। ये दोनों आईटी सेक्टर काफ़ी टाइम से हम कवर करते आ रहे हैं। TCS जिसकी प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण से एक स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर TCS को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने में 10 बार सोचता है। लेकिन अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म का है और आपकी जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में है, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं आईटी सेक्टर्स के अंदर, तो डेफिनेटली ये दोनों शेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर यहाँ पर बात करें इन्फोसिस की, तो अब बहुत जल्दी यानी कि TCS के बायबैक कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट जो नंबर्स लगने वाला है बायबैक के अंदर वो इंफोसिस का ही, बहुत जल्दी इंफोसिस का भी बायबैक आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिलने वाला है। तो यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पज से भी इंफोसिस के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो करंट प्राइस पर आप इस शेयर के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं। इंफोसिस भी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, साथ ही साथ अगर हम इसके वॉल्यूम बेस्ड काम की भी बात करें तो इंफोसिस के अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी लगभग 83 लाख क्वांटिटी इंफोसिस के अंदर ट्रेड हुई है, जिसके सामने 55 लाख क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। तो आप देखेंगे तो बाजार में यानी कि ओपन मार्केट में जो इंफोसिस के नंबर ऑफ शेयर्स है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिस कारण से आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आपको इंफोसिस का भी बायबैक आते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत सही अपॉर्चुनिटी आपके पास है अगर आप इंफोसिस के अंदर भी खरीदारी करना चाहते हैं। तो अगर आप इंफोसिस के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1800 रुपये के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं बिफोर रिजल्ट बिफोर Q4 अर्निंग्स 2000 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे अप स्टॉक जैसे इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, जहां से आपको काफ़ी ज़्यादा स्विंग ट्रेड भी प्रोवाइड करी जा रही है हमारी तरफ से, जिसका बेनिफिट उठाकर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सिर्फ 4 चीज़ें रेडी रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक पासबुक और आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जहां से आप विदिन अ 4 आवर्स अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और मार्केट के अंदर अपनी जो इन्वेस्टिंग है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विप्रो और इन्फोसिस को लेकर आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।